गुड इवनिंग दोस्तों, डुओलिन रिस्प्यूल इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा। ये दवा किस काम आती है, इस दवा के अंदर क्या क्या साल्ट रहता है, कैसे काम करती है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको कैसे लेना है, लेते समय क्या सावधानी रखना है, ये सब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। डुओलिन रिस्प्यूल की बात करें तो इसमें जैसा कि नाम सेज करता है डुओ, डुओ मतलब कि दो, तो इसमें दो दवाइयां रहती है, लेकिन ये दोनों दवाइयां क्या करती है, फेफड़े को खोलती है। ब्रोंको डायलेटर हम लोग टर्म यूज करते हैं, बेसिकली जो फेफड़े में जो रास्ता जाता है उसको ब्रोंकस बोलते हैं, उस रास्ते को चौड़ा कर देती है। तो ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, उस रास्ता को चौड़ा करेगी तो फेफड़े की ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें रास्ता सिकुड़ जाता है, जैसे कि अस्थमा की बीमारी है, सीओपीडी की बीमारी है, किसी तरह की एलर्जी हो गई हो फेफड़े में जिससे रास्ता बंद हो गया हो, म्यूकस का सिक्रीशन हो गया हो, उस कंडीशन में ये डुओलिन रिस्प्यूल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इनहेल करने के लिए। आप जैसे उसको अंदर खींचते हो तो दवा जाके फेफड़े तक जाती है, रास्ते में जाती है और वहां पे रास्ते को चौड़ा कर देती है। तो डुओलिन रिस्प्यूल का एक मोटा मोटा मतलब आप ये समझे कि फेफड़े से संबंधित बीमारियों में दी जाती है, तब जब सांस लेने में तकलीफ हो, अंदर सांस अच्छे से ना जा पा रही हो क्योंकि रास्ता सकरा हो गया है। अब ये जो दवा है, ये नेबुलाइजर एक मशीन होती है, बेसिकली जो एयर होती है उसको कंप्रेस एयर को भेजती है, तो उसके थ्रू लेने से ये मिस्ट के रूप में, स्टीम के रूप में अंदर लिया जाता है। तो नेबुलाइजेशन मशीन को आप लोग शायद देखा होगा, कोविड के समय काफी सारे लोगों को जरूरत पड़ रही थी और छोटे बच्चों में ये बहुत ही कॉमनली यूज होती है। तो ये समझे कि ये जो रिस्प्यूल्स है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसको ना तो ये पीने की दवा है ना तो इंजेक्शन है, ये इनहेल करना पड़ता है नेबुलाइजर मशीन के द्वारा। तो ये एक जरूरी बात है जो जानना चाहिए इस दवा के बारे में। अब इस डुओलिन दवा के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर दो दवाइयां होती हैं, एक होती है लिवोसाल्ब्यूटामॉल जो कि बीटा एगोनिस्ट है, ये रास्ते को चौड़ा करती है, और दूसरा इप्राट्रोपियम होती है, ये एंटीकोलिनर्जिक दवा हम लोग बोलते हैं, ये भी रास्ते को चौड़ा करती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो दोनों दवाइयां हैं दोनों रास्ते को चौड़ा करती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करती हैं, इसलिए जब दो दवाइयां रहती हैं तो इनका असर अच्छा आता है जो लंग्स की बीमारी है। कौन कौन सी बीमारी है, कुछ बीमारी तो आप समझ गए होंगे कि एक अस्थमा की दिक्कत जिसको दमा की बोलते हैं, जिसमें रास्ता चौड़ा होता है तो पेशेंट को अटैक आता है, सांस फूलती है, आवाज आती है, वो सारी अस्थमा की समस्या में इसको दिया जाता है। या एक सीओपीडी बीमारी जिसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो भी रास्ते की समस्या है। और सीओपीडी बेसिकली एम्फाइसिमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दो बीमारियों को मिलाकर सीओपीडी बोलते हैं। तो अगर ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, उसमें म्यूकस भर गया हो, सिक्रीशन भर गया हो, तब ये दवा दी जाएगी। सांस लेने में दिक्कत हो, चेस्ट टाइट हो रहा हो, म्यूकस प्लग हो गया हो, या निमोनिया के केसेस में भी, निमोनिया में भी ब्रोंकस के अंदर म्यूकस भर सकता है, तो इन सब कंडीशन में ये डुओलिन दवा यूज करी जाती है। कैसे यूज करना है, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो रिस्प्यूल होता है इसको लेना है, और जो नेबुलाइजर मशीन में ड्रग चैम्बर रहता है उसमें इसको काट के डाल देना है। आप आधा रिस्प्यूल डालें, साथ में थोड़ा सलाइन भी डाल सकते हैं या चाहे तो ना डालें, और मशीन को जैसे आप चालू करोगे तो ये मिस्ट के फॉर्म में अंदर आने लगी। डीप ब्रीथ लेना, अंदर लेना है, और ऐसा आपको 6 से 8 घंटे में एक बार करना है, मतलब दिन में 2 या 3 बार किया जा सकता है। तो जिसको भी फेफड़े में सांस लेने से संबंधित दिक्कत होगी उसमें ये फायदा करेगी। अब ये जब नेबुलाइजेशन लेते हैं तो कई बार जो स्टेरॉइड दवाई होती है उसको भी साथ में डाल दिया जाता है, तो उसका जो असर होता है और बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड से इन्फ्लेमेशन भी, सूजन भी फेफड़े के रास्ते की कम होती है। तो बुडेसोनाइड करके एक स्टेरॉइड है जो कॉमनली यूज होती है, तो इस तरीके से इस दवा को यूज करना, मतलब दिन में 2 से 3 बार नेबुलाइजर के थ्रू दवा को लेना है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये जो दवा है ये होता क्या है, ये एक तरीके से ऐसे समझे कि डायरेक्ट फेफड़े के अंदर जाती है, आपके ब्लड में बहुत ही कम मात्रा में जाती है, इसलिए साइड इफेक्ट इसका बहुत कम है। यही तो इस दवा का फायदा है कि इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फेफड़े में जहां असर करना चाहिए वहां करती है, पर साइड इफेक्ट आ सकते हैं किस तरह के, सिर दर्द होना या चक्कर आना, जी घूमना, दस्त हो सकती है, या चूंकि आप इसको इनहेल करते हो तो मुंह के अंदर या थ्रोट के अंदर इरिटेशन हो जाना, या मुंह का सूख जाना, एलर्जिक रिएक्शन होना, इसलिए जब ये इनहेलेशन लिया जाता है तो ये बोला जाता है कि ये दवा लेने के बाद, ये दवा जो आप लोगे नेबुलाइजर के थ्रू, ये 5 से 10 मिनट अंदर ले लोगे, उसके बाद फिर मुंह वगैरह अच्छे से कुल्ला कर लेना होता है, गार्गल कर लेना होता है। और ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप फ्रीक्वेंटली इस दवा को यूज करते हैं,
इसे एलर्जिक कंडीशन में जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं या कोई एलर्जिक दूसरी भी कंडीशन हो जिसमें सुबह सुबह आप उठते हो सांस लेने में दिक्कत होती है और इसको बार बार यूज करते हो, तो स्पेशली ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उनको सावधानी रखना है, या ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है या ग्लूकोमा की दिक्कत है, हार्ट किडनी की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर को आप अपनी बीमारी के बारे में बता दें क्योंकि दवा को फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। क्योंकि ये बीटा एगोनिस्ट है, वैसे तो ब्लड में बहुत कम जाती है लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना हो, ज्यादा दिन तक करना हो, तो थोड़ा सा हमें सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब ये जो डुओलिन दवाई है, रेस्प्यूल है ये, इसकी कीमत की बात करें तो ये 103 रुपए में 5 रेस्प्यूल मिल जाते हैं 3 ml के, और सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया बेचा जाता है और बहुत ही पॉपुलर दवा है। फेफड़े से संबंधित ये जो सांस लेने की दिक्कत है उसमें डुओलिन रेस्प्यूल बहुत ही ज्यादा यूज होती है, और इसीलिए मैं ये आप लोगों को जानकारी भी दे रहा हूँ। तो अगर किसी को ये दवा चल रही होगी या इस दवा के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या होती है, कैसे काम करती है, आप समझ गए होंगे। थैंक यू।